हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जा रहा था बांद्रा बैंड स्टैंड। ये अपना वेस्टर्न रेलवे का बांद्रा स्टेशन है, मतलब देखने में बहुत ज़बरदस्त स्टेशन है। ये अपना बाहर का नज़ारा है, देखने में एक नंबर लगता है। ये देखो, ये अपना बस आ रही है 215, ये भी जाती है। ये अपना खार स्टेशन साइड से आती है। और अब आपको यहाँ से इधर से दिखाता हूँ, आपको ये बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। पहले कितना ज़बरदस्त, देखो एक नंबर, मतलब अपना जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का है वैसा सेम है। ये जो ऊपर वाला ये पब्लिक ब्रिज है, ये बंद हो गया क्योंकि उधर आगे मेट्रो का काम चालू है ना अपना लिंक रोड का, तो ये बंद कर दिया है अभी। तो इसके लिए नीचे से जाना, कभी इस पर मत चढ़ जाना उधर से, तो नहीं फिर क्या, फिर रिटर्न आना पड़ेगा आप लोग को इधर। और यहाँ पे आपको शेयरिंग रिक्शा स्टैंड भी है इधर पे। और यहाँ के जो बस स्टॉप बनाए हैं ना, बहुत लग्जरी बस स्टॉप बनाए हैं। ये अपना टिकट काउंटर है यहाँ पे, अभी बाहर से आपको दिखाता हूँ कैसे है। ये अंदर देखो कितना गर्दी, ज़बरदस्त गर्दी है, पूछो मत, एक बहुत ज़बरदस्त गर्दी है। संडे था ना, संडे को क्या होता है कि सबकी छुट्टी रहती है, शनिवार संडे छुट्टी रहती है ना, तो इसके लिए गर्दी बहुत ज़्यादा होता है। आपको जामा मस्जिद दिखाता हूँ बाहर। ये सुन्नी जामा मस्जिद है बाहर, जो अपना 211 बस स्टॉप के पास है, BSP बस डिपो के पास है। देखो बहुत देखने बहुत सुंदर लगती है। और ये आपको दिखाता हूँ चल के थोड़ा उधर से, गर्दी लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्दी है क्योंकि संडे है ना, तो इसके लिए गर्दी बहुत ज़्यादा है आज। कभी भी आए आज, मतलब बहुत सतर्क होके आए क्योंकि सब टपोरी लोग बहुत रहते हैं यहाँ पे, टपोरी हो गए चोरी वोरी करने वाले, क्योंकि वो ऐसा मतलब भीड़ भाड़ में जेब साफ करते हैं। इसके लिए कभी संभल के आए, ज़बरदस्त भीड़ है। सामने का नज़ारा देखो क्या है, बहुत गर्दी थी ना, इसके थोड़ा हिल मतलब हिला रहे थे, मतलब क्या मतलब हाथ वही सॉरी कुछ भी हो तो वही मैं दिखाता हूँ। ये पूरा बाहर का नज़ारा है यहाँ पे। और ये अपना बांद्रा बैंड स्टैंड जाने के लिए अपना गैलेक्सी अपॉइंटमेंट, और ये अपना वर्ली सीलिंग ब्रिज, ताज होटल, अपना तीन ताज होटल है मुंबई में, एक अपना CST में इंडिया गेट के पास, और एक बांद्रा में है। जहाँ भी जाएंगे आपको उसका भी पार्ट टू में डालेंगे। और एक अपना एयरपोर्ट के पास, उसमें तो मैं काम भी करने गया हूँ। यहाँ पे आए 211 नंबर बस स्टॉप है, यहाँ से बस पकड़ें। 5 रुपया इसका है नॉन AC का, और AC का 6 रुपया है, शेयरिंग ऑटो का 30 रुपया है। ये अपना BST डिपो स्टेशन के बाजू में है, बहुत बड़ा डिपो है इधर का। ये देखो तुमको इधर से बाहर से दिखाता हूँ, मतलब तीन लाइन लगा है, इस बीच में ही घुस जाते वो लोग जो जेब काटते हैं, और जैसे बस में चढ़ जाएगा फ़ोन निकाल लेंगे आपका और बाहर उतर जाएंगे, बस चल देगी, तुम ढूंढते ही रह जाओगे। इसके लिए बोलता हूँ सतर्क होकर चढ़ें, देखें। ये देखो स्टेशन के अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ, हॉल का है, जो हॉल बना है अंदर, प्रवेश द्वार है, मतलब बहुत बहुत ब्यूटीफुल बना है अंदर, ज़बरदस्त, मतलब देखने में मतलब दिल खुश हो गया। देखो मतलब पूरा हॉल बना दिया, मतलब गर्व होता है ना यार, अपना इंडियन रेलवे इतना खर्चा करता है लेकिन आदमी क्या बोलेगा, पान खा खा के तो पूरा दीवार लाल कर देते हैं फिर भी आदमी मानता नहीं है। ये अपना बाहर का है, ये बीच का पब्लिक ब्रिज है, मतलब रेलवे का ब्रिज है, मतलब टिकट लेके ही जाएँ यहाँ पे, विदाउट टिकट मत जाएँ। और ये बाजू में लिफ्ट है इसके, ये एक नंबर प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। और ये अपना वेस्ट है, वेस्ट साइड है, इधर से आप इधर, मतलब ये वेस्ट जो होता है पॉश इलाका है, मतलब सब एक्टर लोग रहते हैं अपना वेस्टर्न, ये इसको वेस्टर्न लाइन बोलते हैं। ये बाहर से टिकट काउंटर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये टिकट काउंटर बाहर से ऐसा दिखता है, एक नंबर टिकट काउंटर, बहुत ज़बरदस्त बनाया भाई, मतलब लाजवाब है। और ये देखो अपना ये जो ब्रिज बनाया है ना, मतलब लग्जरीस, मतलब एक नंबर, मतलब देखने में बहुत सुंदर दिखते हैं, पूरा कांच वाँच लगाया, पूरा टाइल्स वाइल्स लगाया। ये अपना ये राइट साइड में एक नंबर प्लेटफॉर्म है और लेफ्ट साइड में दो नंबर प्लेटफॉर्म, दो नंबर प्लेटफॉर्म से बन के चलती है, चर्च गेट भी जाती है और अपना बोरीवली साइड भी जाती है, और 3 नंबर से सिलो आती है, बोरीवली से चर्च गेट जाती है, और पाँच नंबर पे फास्ट आती है, और छः और पाँच नंबर पे फास्ट आती है वो दादर जाती है, और 6 नंबर पे हर्बल लाइन है। हर्बल लाइन का मतलब वो क्या बोलते हैं, हर्बल लाइन से मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जाती है। ये अपना एस्केलेटर है, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आपको चढ़ना नहीं पड़ेगा, हर ऊपर चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब ब्रिज के ऊपर सॉरी,
ब्रिज को चढ़ने के लिए आपको एस्केलेटर हर अभी हर जगह लगा दिया है, तो चढ़ने में इतना तकलीफ नहीं होता आदमी को। नहीं क्या है, पहले बहुत तकलीफ होता था भाई चढ़ना उतरना, इसके लिए एस्केलेटर लगे। एस्केलेटर का यूज़ करें, जो अपना एस्केलेटर के साइड में जो ब्रश टाइम में लगा रहता है उस पर पैर मत लगा घिसे, क्योंकि वो सेफ्टी के लिए रहता है। कोई मतलब उसके अंदर, क्योंकि येलो लाइन रहता है ना, ये देखो एक नंबर मतलब ब्रिज बना दिया, पूछो मत, लग्जरी एक नंबर दिखता है। 6 नंबर से आपको गोरेगांव जाएगी, पनवेल से भी आती है और छत्रपति शिवाजी महाराज से भी आती है, और 7 नंबर से गोरेगांव से CST जाती है और पनवेल जाती है। आप ये हर्बल लाइन है 6 नंबर और 7 नंबर, और बाकी सब वेस्टर्न लाइन गए। आप दादर से भी जा सकते हो सेंट्रल लाइन में और हर्बल लाइन में। ये देखो नीचे से दिखा रहा हूँ आपको, ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ, ये अभी आएगी, मैं अंधेरी जा रहा हूँ, अंधेरी गोरेगांव। ये देखो ये दादर की लगी है फास्ट, 5 नंबर पे, 5 नंबर पे दादर फास्ट है वो, मतलब 5 नंबर 4 नंबर से फास्ट रहती है और 3 नंबर और 1 नंबर से स्लो रहती है और 2 नंबर से बन के चलती है बांद्रा से, कभी भी याद रखना। और आए मतलब सतर्क हो गया है भाई, क्योंकि अगर अगर मतलब देर होता है आपको तो प्लीज़ तुरंत छोड़ दे, क्योंकि 2-2 मिनट में ट्रेनें आती हैं। ऐसा मतलब रिस्क ना लें, क्योंकि रोज में 5-6 साल हो गया मेरे को सफ़र करते हुए, रिस्क कभी मत लें, छोड़ दे, दूसरी ट्रेन आएगी 2 मिनट बाद। अभी हम निकले हैं, आपको दिखाता हूँ इधर से, ये जो है मैं हर्बल लाइन से जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ अपना गोरेगांव साइड, तो खार तक आपको दिखाता हूँ जो अपना फ्लाई ओवर कैसा बनाया है, मतलब एक साइड से दूसरे साइड पे जाने के लिए। जो अपना चर्च गेट से भी आती है ना ट्रेन, तो ये अपना खार से मिल जाती है, वो अपना खार से 1 नंबर पे आती है, गोरेगांव की भी और पनवेल की और CST की भी गोरेगांव। ये देखो इधर का फ्लाई, मतलब ऊंचा वाला ऊपर से वो कट मार, क्योंकि नीचे से था नहीं ना, इसके लिए ऊपर से दिखाता हूँ। चलते, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें प्लीज़ भाई, आप लोग सपोर्ट करें। आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेके आता रहूँगा, मतलब ट्रैवलिंग की है जो, मतलब जो भी है, जो अपना जो भी काम करता हूँ उसका नॉलेज वाला जो भी है, आपको आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखो इधर से अभी ये नीचे 1 नंबर एक नंबर पे जाएगी, ये देखो ग्रीन इंडिकेटर दिया, मतलब ये अपना चर्च गेट साइड से भी आती है इधर से, और इस साइड से क्या बोलते छत्रपति शिवाजी महाराज और पनवेल से आती। जय हिंद, जय वंदे मातरम, जय महाराष्ट्र।